जय भीम। नमो बुद्धाय साथियों, मैं हूँ राम लखन और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राइटिंग एंड स्पीच में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और आते हैं बिना किसी भूमिका के सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज का टॉपिक है धर्म व पुरोहितों का नया संस्करण। ये टॉपिक है एनालिसिस ऑफ कास्ट का। और इस टॉपिक के बारे में बाबा साहब अम्बेडकर क्या लिखते हैं, उनके क्या विचार हैं, जानते हैं इसको। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि जब मैं धर्म, या यूं कहेंगे संहिताबद्ध धर्म, संहिताबद्ध धर्म का मतलब होता है कि ऐसा धर्म जो संहिता के रूप में हो, या यूं कहें कि जिसमें नीतियां हो और ये धर्म ना हो करके कानून की तरह हो। तो ऐसे धर्म की जब मैं भर्त्सना करता हूं तो लोगों को ऐसा लगता होगा कि शायद मुझे धर्म की आवश्यकता नहीं समझ में आती, या मैं ऐसा नहीं समझता कि समाज को धर्म की आवश्यकता है। तो ऐसा नहीं है, मुझे पता है कि समाज को धर्म की आवश्यकता है, लेकिन किस तरह के धर्म की आवश्यकता है, कैसा धर्म होना चाहिए और उसमें कैसे पुरोहित होना चाहिए। यह संस्करण का मतलब हुआ, नया संस्करण का मतलब धर्म कैसा हो, संहिता कैसी हो उसकी, और पुरोहित कैसे हो। और जो अभी है वो तो ठीक नहीं है, इससे समाज का हित नहीं है। अब बाबा साहब अम्बेडकर यहाँ पर क्या कर रहे हैं, धर्म और पुरोहितों का नया संस्करण का मतलब धर्म नया, फिर कैसा। वो कहते हैं कि धर्म के मामले में मैं वर्क महोदय का या वर्क का समर्थन करता हूं। ये जो वर्क है, इनकी जो बात है, ये कहते हैं सच्चे धर्म, मतलब एक ऐसा सच्चा धर्म जो समाज की सच्ची आधारशिला रखता हो और जिसे समाज की पूरी स्वीकृति प्राप्त हो, मतलब पूरे समाज की स्वीकृति प्राप्त हो, ऐसे धर्म की बात वर्क महोदय करते हैं। आगे देखते हैं, और इस तरह के सच्चे धर्म पर ही समाज की आधारशिला टिकी होती है, इसे समाज की स्वीकृति प्राप्त होती है। अब जब स्वीकृति प्राप्त होगी तो आसान सी बात है कि सभी को समान अधिकार प्राप्त होंगे, समान अधिकार होंगे और हर कोई एक दूसरे की इज्जत करता होगा, समाज में सबकी एक वैल्यू होगी, उनका एक स्थान होगा, या यूं कहें कोई व्यक्ति एक दूसरे के द्वारा ना शोषण करेगा, ना कोई शोषित होगा, ना कोई शोषक होगा, ना शोषित होगा, ऐसा धर्म जिसे कह सकते हैं सच्चा धर्म। बाबा साहब ऐसे धर्म की कल्पना करते हैं और वर्क महोदय का ये समर्थन करते हैं कि धर्म सच्चा धर्म होना चाहिए, मैं ऐसे धर्म की उपयोगिता को स्वीकार करता हूँ समाज के लिए। यदि मैं इस धर्म की आलोचना करता हूँ या मैं भर्त्सना करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं धर्म की उपयोगिता को स्वीकार नहीं करता, लेकिन कैसा धर्म, जो धर्म सच्चा हो, ऐसे धर्म के लिए। नेक्स्ट बात कहते हैं बाबा साहब अम्बेडकर कि हिंदू धर्म का जो संशोधित रूप है, जो मैं सोचता हूँ, उसमें किस तरह का मैं सोच रहा हूँ वो मैं आपको सलाह देना चाहता हूँ। और ये सलाह देते हैं किसे, आर्य समाज के जो संगठन था, जाति पात तोड़क मंडल, उसको सलाह देते हैं कि मैं आपके लिए जो संशोधित रूप है, जो मैंने सोचा है, वो मैं बता रहा हूँ, यदि ऐसा होता है तो समाज को ज़्यादा फायदा होगा। और जो आप समाज सुधार का जो आंदोलन चला रहे हैं, आर्य समाजी लोग थे, अब यदि समाज में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है तो आर्य समाज सुधार आंदोलन क्यों चला रहे थे, इसका मतलब समाज में कमियां थीं, इसीलिए वो चला रहे थे। अब उन्हें किस तरह समाज की कमियों को दूर करना चाहिए, वही बात बाबा साहब अम्बेडकर बता रहे हैं। देखते हैं क्या कह रहे हैं बाबा साहब अम्बेडकर। एक बात तो बाबा साहब अम्बेडकर ये कहते हैं कि जो धर्म ग्रंथ है, ये बात धर्म ग्रंथ के बारे में बोलते हैं, ये जो धर्म ग्रंथ में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे वेद हैं, पुराण हैं, शास्त्र हैं, इन सब चीजों को खत्म करके कोई एक धार्मिक पुस्तक होनी चाहिए जो
ये जो सभी को स्वीकार हो और कोई भी उसका विरोध न करे, सारे समाज के हित हो उसमें, सभी को समान अधिकार हो, सबका रिस्पेक्ट हो, तो ऐसा एक धार्मिक पुस्तक हो और बाकी जितने भी पुस्तकें हैं या ग्रंथ हैं उन्हें गैर कानूनी घोषित कर देना चाहिए। गैर कानूनी घोषित तो कर ही देना चाहिए, साथ में यदि कोई उनका प्रचार करता है तो वो कानूनन दंड होगा। कोई भी व्यक्ति प्रचार नहीं कर सकता उसका, क्योंकि बाकी कोई धार्मिक पुस्तक मानी ही नहीं जाएगी। और फिर तीसरी बात, पुरोहितों के बारे में कहते हैं कि पुरोहितों को जो है सबके लिए दरवाजा खोल देना चाहिए। जो भी व्यक्ति हिंदू धर्म को स्वीकार करता है या हिंदू धर्म के अंतर्गत आता है, उसमें जो भी व्यक्ति पुरोहित का काम करना चाहता है या उसका इच्छुक है, उसमें वो काबिलियत है, तो परीक्षा हुई इसकी कोई, उस परीक्षा को पास करने के बाद जो भी व्यक्ति इसके काबिल पाया जाएगा वो पुरोहित का काम करेगा। और इसे जो है किसी जाति के अंतर्गत सीमित ना रखा जाए कि एक ही जाति का व्यक्ति पुरोहित का काम करेगा, ऐसा ना किया जाए। दूसरा चीज कहते हैं, फिर आगे वो ये बोलते हैं कि जो पुरोहित है उसे राज्य का जो कानून है उसके अंतर्गत या राज कर्मचारियों की तरह उसके अधिकार होंगे और वो उनके प्रति जिम्मेदार होगा, और यदि वह किसी तरह का उल्लंघन करता है तो जैसे कानून दूसरे पर लागू होते वैसे उसके ऊपर लागू होगा। और तीसरी चीज, एक चीज और है आगे कि यदि जिस तरह से ICS की परीक्षा होती है तो उसमें पदों की संख्या कम ज्यादा की जा सकती है, तो पुरोहिताई के कार्य को देखते हुए, समाज की जरूरत को देखते हुए इनकी संख्या को कम ज्यादा भी किया जा सकता है। एक चीज और है, इन्हें जो लाइसेंस मिलेगा, जो सरकारी परीक्षा पास करके जो लाइसेंस दिया जाएगा, बिना लाइसेंस लिए जो भी पुरोहित का काम करेगा उसके द्वारा किए गए सारे कार्य गैर कानूनी घोषित किए जाएंगे और उसे सजा का प्रावधान किया जाए। जो भी व्यक्ति ऐसा हो जिसके पास लाइसेंस नहीं है या सनद नहीं लिया है, लाइसेंस नहीं है, और ये लाइसेंस कौन देगा, सरकार देगी, तो सरकार से इसने लाइसेंस प्राप्त नहीं किया पुरोहिताई का, वो पुरोहित का काम नहीं कर सकता। और यदि पुरोहित काम करते पाया गया तो उसके द्वारा किए गए सारे कार्यक्रम, यदि शादी विवाह करता है तो वो कानूनी गैर कानूनी हो जाएंगे और उसे जेल भेज दिया जाएगा, ये गैर कानूनी, क्योंकि उसके पास सनद नहीं, बिना लाइसेंस का काम वो नहीं कर सकता। इस तरह की बात बाबा साहब अम्बेडकर सुझाव दे रहे हैं। और वो क्यों कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जब देश के लगभग सभी कार्य, जो भी कार्य होते हैं देश में, वो सभी के सब कानून के अंतर्गत आते हैं और किसी न किसी तरह से उनमें एक योग्यता का होना आवश्यक होता है, चाहे वो व्यापार बिजनेस हो या कोई और कार्य हो, सेवा कार्य हो। अब जैसे देख लेते हैं यहां पर, और उनके लिए एक योग्यता की जरूरत, डॉक्टर है, इंजीनियर है, कोई अधिकारी है, और व्यापारी ले लीजिए, मतलब जितनी भी चीजें हैं वो सबके सब एक तो कानून के अंतर्गत आते हैं और दूसरी चीज इनके लिए एक कोई ना कोई शिक्षा की जरूरत होती है जिसके आधार पर ये एक काम कर सकते हैं या एक विशेष एजुकेशन होती है उनकी। अब पुरोहित का काम क्या है, और ये निश्चित है कि जिसने जो डिग्री हासिल की है वो वही काम कर सकता है या उससे संबंधित कोई काम और कर सकता है। अब डॉक्टर है तो डॉक्टर, बहुत सारे तरीके के डॉक्टर होते हैं, तो डॉक्टरी काम कर सकता है, लेकिन पुरोहिताई का जो कार्य है तो पुरोहिताई की शिक्षा सबके लिए होना चाहिए और पुरोहित काम सभी लोग कर सके, यह सिर्फ एक जाति तक सीमित नहीं होना चाहिए, क्योंकि पुरोहित का काम जो है वही कर सकता है जिसने पुरोहित घर में जन्म लिया हो, ये कोई योग्यता नहीं है। एक चीज तो ये प्रॉब्लम है, दूसरी बात ये सारे कार्य सरकार के नियंत्रण में आते हैं, ये आप देखते ही होंगे, ये जितने भी हैं वो किसके नियंत्रण में, सरकार के, इन पर सरकार का नियंत्रण लागू होता है और पुरोहित पर नो नियंत्रण, पुरोहित पर कोई नियंत्रण नहीं होता, तो इसलिए इसे सरकार के नियंत्रण में लाना चाहिए। किसको, पुरोहित पर। अब पुरोहित जो कार्य है
ये ना तो सरकार का नियंत्रण मानता है, ना तो समाज का कोई बंदिश होता है। अब ये दोनों तरह से बिल्कुल छुट्टा हो जाता है, आजाद पूरी तरीके से किसी का भी शोषण। तो बाबा साहब मेरे कहते भी है कि ये एक ऐसा परजीवी है जिसे सिर्फ अधिकारों से मतलब है, लाभ से मतलब है, ये अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझता और अपने जो समाज के प्रति इसका उत्तरदायित्व है उसे भी नहीं समझता। ये एक ऐसा परजीवी है जिसको विधाता ने व्यक्ति का आर्थिक, सामाजिक, मानसिक हर तरीके का शोषण करने के लिए ही पैदा किया है। तो ऐसे परजीवी को खत्म कर देना चाहिए। पहली बात तो बाबा साहब अम्बेडकर शुरुआत में ही बता देते हैं कि एक तो पुरोहित को ही खत्म कर देना चाहिए, पहला सुझाव तो यही था कि ये वर्ग ही नहीं होना चाहिए, और यदि हो तो फिर सच्चे धर्म के अंतर्गत हो, और वो ये वाली जो योग्यता संबंधी ये जो विधि है, नियम है, वो लागू हो जाए उनके ऊपर, और साथ में सरकार का नियंत्रण फिर होना बहुत जरूरी है। यदि ये हो जाता है तो ठीक है, लेकिन अब इससे होगा क्या, अब देखते हैं। यदि इतनी सारी चीजें हो जाती हैं तो क्या फायदा होगा, अब लाभ देखिए। और जो लाभ आज तक किसी को भी नहीं मिले, तो लाभ क्या होगा? पहली बात तो ये कि जो हिंदू धर्म है उसमें सभी के लिए दरवाजे खुल जाएंगे पुरोहित बनने के लिए, तो समानता हो गई। दूसरा चीज, ये सरकार के नियंत्रण में आ जाएगा तो शोषण नहीं करेगा। फिर एक चीज बात और हो जाएगी कि जो ब्राह्मण शाही है, ब्राह्मण शाही ये खत्म हो जाएगी, ये खत्म हो जाएगी तो ब्राह्मणवाद खत्म हो जाएगा, ब्राह्मणवाद खत्म होगा। जब ब्राह्मणवाद खत्म हो जाएगा तो जातिवाद अपने आप खत्म होगा, और जातिवाद खत्म हो जाएगा तो ऊंच नीच खत्म हो जाएगी, तो शोषण खत्म हो जाएगा, समाज में समानता आएगी। और बाबा साहब अम्बेडकर क्या चाहते थे? जाति का विनाश, और जाति का विनाश ऐसे संभव है, इसीलिए पुरोहितों का नया संस्करण या धर्म का नया संस्करण होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये बात बाबा साहब अम्बेडकर बताते हैं कि इनको आर समाजियों को कि यदि आपको ये सब करना है तो इसमें कोई बुराई नहीं है और इसमें कोई बहुत कठिन भी नहीं है, आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको यदि जब आपको सुधार ही करना है तो आप एक ऐसे धर्म की कल्पना करें जो समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व पर आधारित हो, और जहां पर आपको समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व पर आधारित धर्म की स्थापना करनी है या धर्म को लाना है तो उसके लिए आपको कहीं दुनिया के और सारे बहुत सारे ग्रंथों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आपको ये इतनी बातें आपके अपने ही देश के अपने ही साहित्यों में, उपनिषद में, इन सबको मिल जाएगा, और ये क्या इनकी उपयोगिता है ये भी आपको मिल जाएगा, तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं, तो ये बहुत जरूरी है। एक चीज और बताते हैं कि अब जो आपके पास जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनमें कतर व्युत करनी है, और क्या करना है, उनमें क्या खराब चीजें उनको हटा देना है और एक नए ग्रंथ की स्थापना कर देनी है, आसानी से हो जाएगा। और एक बात ये बात बताते हैं कि यदि आप अपने धर्म का या धर्म शास्त्रों का कचरा इस तरह साफ कर देते हैं तो एक नया रूप मिलेगा, और जो नया रूप मिलेगा और समाज को स्वीकार भी होगा, और आप जो भी ऊपर से नीचे तक जो बाबा साहब बता रहे हैं कि इस तरह से समाज का जो शोषण है उसे रोका जा सकता है, भाई वो भी समाज सुधार ही कर रहे हैं आर समाजी लोग, तो बाबा साहब अम्बेडकर कह रहे हैं कि जब आपको समाज सुधार ही करना है तो फिर आप बेसिक चीजों को देख के करिए, कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है, धर्म में भी प्रॉब्लम है। यदि छोटी छोटी बातों को लेकर के आप करेंगे, कहीं कहीं करेंगे कहीं नहीं करेंगे तो ठीक नहीं है, आप पूरा परिवर्तित करिए जो समता बंधुत्व पर आधारित हो। और ये जो पुरोहित है अब इस पर कोई कानून तो लागू नहीं होता, ये कुछ भी करता है और समाज भी स्वीकृत भी इसको प्राप्त है, तो यदि सारी बातें लोगों को बताई जाए, सिखाई जाए तो उनमें जागरूकता पैदा होगी। एक बात बाबा साहब अम्बेडकर ये कहते हैं कि ये सब कर देने से आखिर होगा क्या, इससे ये होगा कि आप जो धर्म चला रहे हैं उसमें जीवन की आधारभूत जो कल्पना है उसमें परिवर्तन होगा, फिर क्या होगा,
नया जीवन। एक बात बता दें, जीवन में मूल्यों की पूरी तरह बदलना कहा जाएगा इसका, या कहा जाएगा मानव और पदार्थों के प्रति दृष्टिकोण में पूर्ण परिवर्तन, या यूं कहे नया जीवन। ये बात बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि इन सब चीजों को बदल दिया जाएगा तो सीधा बताया जाएगा नया जीवन। और नया जीवन मुर्दों में नहीं डाला जाता, नया जीवन होता है। तो जो भी नया पैदा होगा वो सीधा सीधा नया ही होगा, और उससे पूरा मानव समाज लाभान्वित होगा। बाबा साहब अम्बेडकर को इनकी इतनी चिंता थी क्योंकि वो उस समाज को जानते थे, या उन्होंने फेस खुद किया था कि शोषण कितने बुरे तरीके से किया जाता है। तो वो शोषण का जो मूल सिद्धांत है, जहाँ से शुरू होता है, वो ये है धर्म और पुरोहित, यहाँ से शुरू होता है। यही सारी व्यवस्था लांच होती हैं, जो आदमी को ऊंच नीच पता नहीं क्या क्या यहाँ से लांच किया जाता है, और यदि यही सुधार हो जाएगा तो पूरा समाज सुधर जाएगा। यही परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे, और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोगों को हर तरह से, जितने भी तरह से बाबा साहब अम्बेडकर हमको समझाए हैं, बताएं अपने साहित्य के माध्यम से, हमें पढ़ना चाहिए, थोड़ा थोड़ा समय जरूर देना चाहिए। और थोड़ा समय दे करके यदि हम उन्हें पढ़ लेते हैं तो जाहिर सी बात है कि हम लोगों को बताने के लायक हो जाएंगे। और सबसे बड़ी विडम्बना यह है कि जो भी लोग हैं जो पढ़ाई लिखाई किए, नौकरी पेशे वाले हो गए, नौकरी पाने के लिए पढ़ाई करना एक अलग सिलेबस है। बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा लिखा गया साहित्य बहुत अलग है। यदि हम इस साहित्य को नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे, तो फिर हम सामाजिक जिम्मेदारियों को भी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि जो हमारी सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी है वो कहीं और नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा लिखे गए साहित्य में लिखा है। और जब तक हम उससे दूर रहेंगे अपनी जिम्मेदारियों को भी नहीं समझ पाएंगे। इसलिए हमें सामाजिक जिम्मेदारियों को समझना है। यदि हम नौकरी पेशे वाले हैं तो हम कम से कम साहित्य को पढ़ें, तो पढ़ करके हम क्या कर सकते हैं, हम वो करें। यदि हमें जितना भी समय मिलता है, अभी मान लो 20 मिनट का टाइम मेरे पास रहा, तो 20 मिनट में एक वीडियो बना करके हम लोगों को बता तो सकते हैं कि इस साहित्य को ऐसे समझा जाता है। बाबा साहब अम्बेडकर ये चाहते थे, कुछ तो सरल कर सकते हैं समझने में, कहीं किसी कोई दिक्कत हो कुछ हम बोल करके बता तो सकते हैं। यदि जिस तरह से मेरे समझ में आया, मैं वो तो कह सकता हूँ कि मुझे ऐसा समझ में आया, मैंने खुद में ऐसा बदलाव किया है, हो सकता है कोई और करे। इस तरह से हम समाज को कुछ ना कुछ तो चेंज कर सकते हैं, या उस दिशा में कुछ तो काम कर सकते हैं जिस दिशा में बाबा साहब अम्बेडकर समाज को ले जाना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय भीम, नमो बुद्धाय।